मैं आज आपको लेके चलता हूं सर 1674 1674 छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में राज्याभिषेक किया और उन्होंने 4400 फीट ऊपर पहाड़ के ऊपर सबसे बड़ा किला बनाया रायगढ़ का किला। और रायगढ़ के किले के लिए मशहूर था कि वहां हवा भी नहीं आ सकती, इतना चाक चौबंद। सेनापतियों ने बोला कि इधर कोई आदमी है ना सर, कोई आदमी आप ये मान के चलिए ऊपर चढ़ नहीं सकता। वहां का एक नियम था कि सुबह दरवाजा फाटक खुलते थे और शाम को सूर्योदय पे बंद होते थे, ये महाराज का कड़क आदेश था। नीचे वालकुसरे काम करके गांव है, उस गांव से रोज जो भी सामान लेके आते थे, तो एक बहन थी हीरकणी, वो रोज ग्वालिन है ना वहां से दूध लेके आती थी। जब दूध लेके आती और रोज अपना अपना दूध बेचती और शाम होने से पहले पहले गेट बंद होने से पहले पहले सब निकल जाते थे। एक दिन क्या हो गया, उसका बच्चा बहुत रो रहा था, छोटा बच्चा रो रहा है। अब उस बच्चे को वो संभाल रही है, दूध पिला रही है, उसमें 10-12 बज गए। पर आखिर पैसे कमाने के लिए जाना पड़ा, बच्चे को शांत किया और वापस दूध बेचने ऊपर आई। वो दूध बेचती बेचती जा रही है, जाते जाते क्या हुआ कि शाम पड़ गई और वो गेट तक पहुंचती है तो गेट के दरवाजे बंद हो गए। अब उसने विनती की द्वारपाल से कि कैसे भी करके यार मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा भूखा है, बच्चा रो रहा है, अब माँ का दर्द है। तो उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ तो आदेश है, हम सूर्योदय के पहले खोलेंगे नहीं। अब ये विनती बार बार कर रही है, पर अब देखिए अब क्या माँ कर सकती है। भारतीय माँ का आप अंदाज़ देखिए, वो माँ अंदर गई और पूरे किले की प्राचीर देखी उसने। अब उसको तो एक ही दिखता है, अपना बच्चा। और रात को घर अंधेरे में वो किले की दीवार के ऊपर चढ़ गई और दीवार से नीचे चट्टान के ऊपर आई और चट्टान से कितना 1200 फीट लंबा स्लोप है वहां पे, कितना, और वो लेडी वहां से उतर गई सर। 20 झाड़ियों में गिरी, खून आया उसको, पर बच्चा ही दिख रहा है उसको, कुछ नहीं दिख रहा है। और वो जाके रात को बच्चे के गोद में ले लिया और उसका दर्द दूर हो गया। दूसरे दिन सुबह वो वापिस दूध बेचने वहां पहुंची। द्वारपाल ने जैसे ही दरवाजा खोला बोले ये क्या, तू कहां से आई, तू तो अंदर थी। उसने बात बताई, उसकी बात अब उनको सीधा पकड़ के ले गए छत्रपति महाराज के पास। और महाराज भी चकित रह गए कि ऐसा होता है क्या। वो मानने को तैयार नहीं, पूरा सेनापतियों समेत उस स्पॉट पे पहुंचे और बोला अभी करके दिखाओ। बोला कल मेरा बच्चा दिख रहा था, आज मुझे बच्चा नहीं दिखा, आज मैं नहीं कर सकती। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको साड़ी देख के सम्मानित किया और उस पे एक बड़ी दीवार बनाई। आप अभी भी रायगढ़ जाएंगे ना तो उसका नाम रखा है हीरकेणी ब्रिज। क्या नाम रखा है? और वहां से आप रायगढ़, उस रायगढ़ जो वालुसरे गांव था ना, उस गांव का नाम भी हीराकणी वाड़ी हो गया। और आप ताजुब करो, 450 साल बीत गए बॉस, सैकड़ों किताबें उसके ऊपर लिखी गई। कितनी माँ की ममता देखिए सर। उसके बाद अभी मराठी पिक्चर आई थी जिसमें सोनाली कुलकर्णी ने रोल किया था, 2 करोड़ की पिक्चर थी, 12 करोड़ कमाए थे, कितना। तो साहब माँ की ममता के आगे किले की दीवारें भी, तो साहब माँ की ममता को सलाम करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।